खबर आ रही है इस वक्त जालंधर से, जहां पर सुबह 5 बजे दिल्ली पुलिस की ओर से भोगपुर के गांव चक झंडू में रेड की गई। पुलिस को यहां पर गैंगस्टरों के छिपे होने की आशंका थी। पुलिस ने गांव में पेट्रोल पंप में बंद पड़ी कोठी में से 2 गैंगस्टरों को गिरफ्तार कर लिया, वहीं 2 अन्य गैंगस्टरों को खेतों में से काबू कर लिया है। पुलिस को यह ऑपरेशन 7 घंटे तक चलाना पड़ा। वहीं पुलिस को सूचना थी कि खेतों में 3 से 4 गैंगस्टर छिपे हो सकते हैं, लेकिन खेतों में 2 गैंगस्टर ही छिपे थे जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस को उनके कब्जे से आधुनिक हथियार भी बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस को सूचना मिली थी कि जालंधर के भोगपुर में गांव चक झंडू में गैंगस्टर छिपे हुए हैं जिनके पास काफी मात्रा में हथियार मौजूद है। दिल्ली पुलिस ने जालंधर की पुलिस के साथ मिलकर सुबह 5 बजे से सर्च ऑपरेशन शुरू किया और गांव के चारों तरफ घेरा डाल लिया। पहले 2 गैंगस्टरों को पेट्रोल पंप पर बनी कोठी से गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से पुलिस को आधुनिक हथियार भी बरामद हुए हैं। वहीं पुलिस को सूचना मिली थी कि यहां से भागकर 3 से 4 गैंगस्टर खेतों में छिपे हैं। पुलिस ने सूचना मिलते ही खेतों को चारों तरफ से घेर लिया और गांव के चारों ओर पुलिस फोर्स तैनात कर दी। 7 घंटे के ऑपरेशन के बाद पुलिस ने खेतों में से 2 गैंगस्टरों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस ने खेतों में से गैंगस्टरों की तलाश के लिए ड्रोन की भी सहायता ली। आपको बता दें दिल्ली पुलिस ने जालंधर पुलिस की मदद से विजय और नानू नाम के 2 गैंगस्टर गिरफ्तार किए हैं। दोनों के पास से हथियार भी मिले हैं। दिल्ली पुलिस को 4 और गैंगस्टर वहीं खेतों में छुपे होने की सूचना मिली थी, जिन्हें ड्रोन की मदद से पकड़ लिया गया है। हालांकि अभी दोनों तरफ से फायरिंग नहीं की गई थी। गैंगस्टर अमृतसर के रहने वाले हैं और दिल्ली में कोई बड़ी वारदात को अंजाम देकर यहां तक पहुंचे। हालांकि इस बारे में आधिकारिक बयान अभी तक जारी नहीं हुए। बता दें कि इससे पहले भी पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से जुड़े 2 शूटर मनप्रीत मनु और जगदीप सिंह रूपा का पंजाब पुलिस ने एनकाउंटर किया था। ये दोनों अटारी के पास बकना गांव में एक सुनसान कोठी में छिपे थे। मुठभेड़ में दोनों तरफ से ताबड़तोड़ गोलियां चली थी, जिसमें दोनों का एनकाउंटर कर दिया गया। अब यह एक बड़ा ऑपरेशन साबित हुआ है दिल्ली पुलिस की तरफ से, जिसमें जालंधर पुलिस की मदद ली गई है और गैंगस्टरों को आधुनिक हथियार के साथ काबू कर लिया गया है। देखिए जालंधर से वन न्यूज नेटवर्क और हॉटस्पॉट जालंधर लाइव की रिपोर्ट।